हाँ अब सही है, बता दिया करो भाई, मैंने अब देखा क्रॉस वेरीफाई किया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज एरिया वेक्टर, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले देखो भाई एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया का तो हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बोल दो, सर्कल के लिए बोल रहे हो तो पाई आर स्क्वायर बोल दो, है ना। अलग अलग चीजों का अलग अलग एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया, कि हमारे पास कोई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर इस वाले सरफेस को क्वांटिफाई करने का ही जो फिजिकल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एरिया। लेकिन इसमें कुछ डायरेक्शन अभी तक हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, अगर इस डायरेक्शन को भी आपको वो करना पड़े कंसिडर, तो कौन सी डायरेक्शन लो इसके परपेंडिकुलर। अब ये चीज क्या है, ये चीज याद रखने लायक है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, एरिया की कौन सी डायरेक्शन होगी। तो आप याद रखोगे कि इट विल बी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया, जो परपेंडिकुलर भी सरफेस रहेगा उससे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि आपका फोन है, उसका एरिया तो आपको पता है कि फोन का जो डिस्प्ले है उसको, उसका जो सरफेस दिख रहा है दैट इज ए एरिया, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आपकी तरफ पॉइंट करता हुआ रहेगा कि फोन की तरफ पॉइंट करता हुआ रहेगा। हमारी तरफ को पॉइंट करता। मैंने बोला कि सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो डिस्प्ले के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो डायरेक्शन रहेगी वो आपकी तरफ पॉइंट करेगी कि फोन की तरफ पॉइंट करेगी, हमारी आपकी तरफ, तरफ, है ना। तो हमारी बच्चों को ये समझ आए कि वो आपकी तरफ पॉइंट करेगा, जो एरिया तरफ। वेक्टर है फोन की डिस्प्ले का वो आपकी तरफ पॉइंट करेगा। एक बार हैंड रेज करना जिन बच्चों को ये बात समझ आई कि एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस ऑफ योर फोन डिस्प्ले विल पॉइंट टुवर्ड्स योर फेस या फिर आपकी तरफ। ठीक है, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर रहेगा वो एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा। अब आउटवर्ड किसी को समझ नहीं आ रहा तो कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, इट इज जस्ट राइट हैंड थंब रूल। आप राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करोगे, सीधे हाथ खोलो, इस एरिया के ऊपर रखो, ऐसे कर्ल करो, तो क्या आ रहा है डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसके नीचे वाला होता तो ऐसे रहता, पर नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल से आप यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब एरिया के वेक्टर की क्यों जरूरत पड़ी वो देखेंगे कि इसका जरूरत क्यों पड़ा, व्हाई वी आर ट्रीटिंग एरिया टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग ए डायरेक्शन कंपोनेंट टू दिस एरिया। ठीक है, तो आप लोग इसको देखेंगे। तो अभी तक ये समझ आया ना कि एरिया और उसके साथ उसका डायरेक्शन लिख दो कि परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, जनरली हम एरिया को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एस से रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी मैग्नीट्यूड इनटू सम यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कहाँ होगा, यूनिट वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि सरफेस से 90 डिग्री पे। तो पूरा वेक्टर क्वांटिटी लिखना है, यानी एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर टाइम्स टाइम्स परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। तो ये हमें मिल गया। अब ये तो था पूरा का पूरा प्लेन सरफेस की पूरी टेबल हो गई, पूरा फोन हो गया, वो सारा का सारा क्या है, एक जैसा है, सिमेट्रिकल एरिया है। बट देर विल बी सम केसेस जब आपको क्या मिलेगा, कर्व्ड एरिया, जैसे कि कोई बॉल है उसका आउटसाइड कर्व्ड एरिया, जैसे आपको ये माउस दिख रहा है, इस माउस पे तो कुछ फ्लैट सरफेस नहीं है, तो आप बोलो इसमें डायरेक्शन, एरिया तो ये भी है भाई, एरिया तो ये भी है, इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पे क्या करने का है, इस पे आप छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लो, यानी इस एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लो। अब यहाँ ले रहे हो तो इधर 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 इधर, जहां भी आप पॉइंट चेंज करोगे, जिस पॉइंट पे निकालोगे उस पॉइंट के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एट दैट गिवन पॉइंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो इसका फिगर आपको नीचे दिख रहा है कि अगर हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होगा तो हम क्या करेंगे, छोटा सा उस पर एलिमेंटल एरिया लेंगे, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिधर आपको नॉर्मल मिल रहा है तो वही डायरेक्शन हो गया किसका, एरिया वेक्टर का। ठीक है, तो इस केस में क्या लिख सकते हो, डीएस क्या हो गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड जो कि डीएस है, और इनटू डायरेक्शन जो कि ए कैप है। ए कैप कुछ नहीं है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात समझ आई। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में दो, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर चैट बॉक्स में दो, ए बी सी या डी में से क्या आंसर आएगा, तो आप लोग सभी इसको पढ़ो और चैट बॉक्स में इसका आंसर दो।
ये क्वेश्चन कुछ अलग तो पूछ नहीं रहा था, ये क्वेश्चन वही पूछ रहा जो अब तक हमने लर्न किया कि जो डायरेक्शन होगा किसका, एरिया वेक्टर, वो रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया टाइम्स डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एरिया। तो एक कोई यूनिट वेक्टर रहेगा जिससे हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा किसको, मैग्नीट्यूड को। तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया टाइम्स यूनिट वेक्टर दैट इज इन डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया। सरफेस ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, एरिया वेक्टर। तो आप सभी ने आंसर सही दिया, इसका आंसर क्या है, डी, इट विल बी इक्वल टू द एरिया एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। ठीक है, ये आपको मिल गया आंसर, ठीक तो ये सही आंसर आपने दिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। चलो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है तो आपको बता ही दिया मैंने, सेम चीज यहाँ लिखी हुई है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने एरिया वेक्टर स्टडी क्यों किया, व्हाई वी हैव स्टडीड एरिया वेक्टर, भाई एरिया तो हमें पता था, बट कई बार ऐसा होता है कि एरिया का कुछ डायरेक्शन हमारे फिजिकल फिनोमिनाज पे काफी असर डालता है ना, काफी सारे चीजों पर हमारा जो एरिया वेक्टर है या एरिया का ओरिएंटेशन, एरिया का ओरिएंटेशन काफी चीजों पर प्रभाव डालता है। ठीक है बच्चों, अब बोलो कुछ एग्जाम्पल, एरिया कुछ आप एग्जाम्पल बताओ कि एरिया जो है उसको ओरिएंट करने से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, क्या मुझे आप लोग बता सकते हो, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सिनेरियोस। अच्छा, आपने बहुत टाइम पहले ऐसा पढ़ा होगा ना, जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे होगे, कि समुद्र में जब जहाज जाती थी, ठीक है, तो उस पे क्या करते थे, पहले इंजन होता था क्या, नो हाँ सर, जी, नो सर, नो सर, बोलते थे ना सेलर्स, सेलर क्या करते थे, ऐसे सेल्स लगाते थे, यानी बड़े बड़े कपड़े होते थे, उनको ओरिएंट करते थे, पीछे से हवा आती थी तो क्या करती थी, धक्का मारती थी शिप को, और शिप मूव करता था। अब इनका ओरिएंटेशन हवा के विपरीत होगा या हवा को रोकने के जैसा होगा, तभी तो ये धक्का मारेगी। अब मान लो इसको फैलाए ही ना, कपड़े को खोले ही ना, तो क्या होगा, मान लो इसको ऐसे ओरिएंट कर रखा है बिल्कुल पतला, हवा ऊपर से निकल जाएगी, कुछ नीचे से निकल जाएगी, धक्का मारेगी, है ना। तो ये सब चीजें आपको नो इसमें एरिया वेक्टर का ओरिएंटेशन मैटर करता है। सेम केस कैसा हो सकता है, यही पानी है, इसमें एक डाइवर कूद रहा है, डाइवर, अब देखो स्विमिंग का आपने देखा होगा कि ओलंपिक कंपटीशन भी होते हैं बहुत सारे, तो उसमें क्या होता है, जो ये डाइवर होता है वो हाथों को ऐसे अपना जोड़ के और ऐसे जंप मारता है ना, इसमें ऐसे जंप करता है, हाथों को ऐसे जोड़ेगा और फिर सीधा डाइव इन करेगा, तो वो ऐसे ऐसे नहीं गिरता ना, कि आया इधर इसकी गर्दन थी, इधर इसके पैर थे, और ऐसे धड़ाम से गिरेगा, धड़ाम से गिरेगा तो उसको चोट लगेगी। तो ये बिल्कुल उल्टा केस हो गया, कि ये कोशिश कर रहा है अभी इस चीज को कम से कम करने की, यानी अपने आप को एरिया के बिल्कुल अलग, अपने आप को बिल्कुल जो वाटर है या फिर एयर है उसके बिल्कुल अपोजिट ओरिएंट करने की। दूसरे केसेस क्या हो सकते हैं, जैसे अभी गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों को आगे से पैना क्यों बनाया जाता है, जो आप हमारी आज अभी गाड़ियां हम यूज करते हैं, जैसे मान लो मारुति 800 हो गई है या बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो उनको आगे से ऐसा क्यों बनाया जाता है, हा? स्ट्रीमलाइंड शेप का नाम सुना होगा ना, स्ट्रीमलाइनिंग क्यों की जाती है, यहाँ पे हम लोग जो एरिया है ना उसको मिनिमाइज कर रहे हैं ताकि फोर्स कम लगे, ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे। तो ऐसे ही केसेस है जहाँ पे एरिया का जो वो है इम्पैक्ट या एरिया का ओरिएंटेशन वो मैटर करता है, कि किस डायरेक्शन पे किस एंगल पे आप गिर रहे हो। ठीक है, तो उसी केस उसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग एरिया वेक्टर ट्रीट करते हैं, एरिया को कभी कभी वेक्टर ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि एरिया का ओरिएंटेशन हमें डिफाइन करता है कि क्या हमारे साथ हो, ठीक है, या फिर कौन से फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पर लगेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट किया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, बस यही है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि एक गिवन एरिया में से कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, उसी को बोला गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी गिवन टाइम पे किसी एरिया में से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब देखो इसके लिए कुछ एनिमेशन देख लो सबसे पहले, फिर हम आएंगे दोबारा से डेफिनेशन।
इसमें रेड कलर का जो रेक्टेंगल दिख रहा है दैट इज एरिया। अब ये ओरिएंटेशन भी अपना चेंज कर रहा है, कभी बिल्कुल उसके अपोजिट हो गया, कभी उसके साथ अलाइंड हो गया। दूसरा, आपको जो येलो या ग्रीनिश कलर की लाइनें दिख रही हैं, दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जहां पे होती है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, तो उस पे टेंजेंट भी ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट ही आएगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही आएगा। तो उसको आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल लो, चाहे बोल लो इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का डायरेक्शन आपको दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन एंड येलो एरोस, और रेड कलर का आपको दिख रहा है एरिया वेक्टर या एरिया। तो अब देखो, ओरिएंटेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया चेंजेस। जब जब ये एरिया अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, ऐसे तिरछा हो जा रहा है, तो इसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या घट या बढ़ रही है, दिख रही है हमें। उसके अलावा, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है या ज्यादा होती है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट कम या ज्यादा होती है। तो जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, तब तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा ज्यादा डेंसर हो जाएंगी, और उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया से पास करेंगी। दोनों चीजें आपको दिख रही है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर चली जाएंगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया डिक्रीजेस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिक्रीजेस। और जब जब ये एरिया बिल्कुल परफेक्टली परपेंडिकुलर हो जा रहा है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो सभी की सभी लाइनें इसमें से पास करेंगी। तो दैट मीन्स ओरिएंटेशन ऑफ एरिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये चीजें, दोनों चीज किसको समझ आई, एक तो ओरिएंटेशन ऑफ एरिया और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि एक गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। हैंड रेज करो एक बार जिनको ये बात समझ आ गई। दो बातें यहाँ से, कि इसका ओरिएंटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक सर, इसमें कलर भी चेंज होगा? है, कलर नहीं, कलर पे ध्यान मत दो बच्चों। कलर का तो वही है कि जब आपका कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, जो ग्रीन कलर की लाइन है केवल वही पास कर रही है इस एरिया में से। देखो जो येलो है वो बिना टच करे चली गई, तो ऊपर और नीचे वाली लाइन है, देखो ये वाली और ये वाली, ये स्किप हो जाएंगी सेकंड केस में। जब ये देखो अब बाहर चलेंगे ना, जो जो लाइनें एरिया के थ्रू पास कर रही है उनको ग्रीन कलर से दिखाया है, जो एरिया से बाहर से चलेगी उनको येलो दिखाया है। तो अब देखो सभी की सभी पास कर रही है, जैसे ये ओरिएंटेशन चेंज हुआ, अब येलो हो गई, येलो वाली इसमें से पास नहीं कर रही। ठीक है, तो अभी 9 बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, बाकी सब लोग क्लास छोड़ के चले जाओ। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू टीच दीज गाइज हु डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट। जिन बच्चों ने हैंड रेज करा हुआ है बस वही रुक जाओ, बाकी सब चले जाओ। ठीक है, उनके लिए क्लास खत्म हो गई है। आप लोग हैंड रेज करके कंफर्मेशन नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा है ना, फिर पढ़ोगे क्या तुम, क्वेश्चन क्या यस करोगे और सिलेक्शन क्या कराओगे, है ना। तो वो लोग जा सर, सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप लोगों को ये दोनों बातें समझ आ गई। अब देखो, तो आपको जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको एनिमेशन दिखाया, वहां से दो चीजें समझ आती है, द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द सेकेंड वन इज एरिया। तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बच्चों फाई से डिफाइन करते हैं, फाई फाई PHI, फाई फाई बोलते हैं। तो फाई आपने बहुत बार देखा होगा, फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली डिफाइन किया जाता है, और दैट इज डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। तो इसको लिख दिया EA, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। बट आप एक चीज और देखना कि इफ समथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिक एंड एरिया, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर है हमारे पास। तो अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर है और एरिया भी एक वेक्टर है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एरिया या फिर ओरिएंटेशन ऑफ एरिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग। अब ये जैसा ओरिएंटेशन चेंज होगा तो बाहर से चली जाएंगी ये वाली लाइन, देखो ये गई ये गई, तो ये हमें पता चल गया। अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितना एरिया बढ़ाओगे उतना ज्यादा। तो इसको सीधा सीधा लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए। अब बिफोर कमिंग टू दिस सेकेंड फॉर्मूला, ये हमें पता ही है, जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनको पता होगा इट इज ई ए कोस थीटा। लेकिन इसको एस्टेब्लिश करना है, अभी कैसे करेंगे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे तीन केस दिख रहे हैं आपको, थ्री डिफरेंट केसेस। द फर्स्ट वन इज दिस, केस वन बोल दिया, ये केस टू बोल दिया जी, और ये केस थ्री बोल दिया। तो वी हैव थ्री केसेस। अब केस वन जो था
उसमें आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट, है ना भाई? राइट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका टेल वेक्टर, टेल इधर है और हेड इधर है, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसा सेकेंड केस में भी वही डायरेक्शन है और थर्ड में भी वही है। बस डिफरेंस क्या है केस वन, केस टू और केस थ्री में, कि यहाँ पे एरिया वेक्टर का ओरिएंटेशन तीनों ही केसेस में अलग अलग है। तो फर्स्ट केस देखो, उसमें आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है? बताओ, अनम्यूट पैरेलल करके बताओ। पैरेलल पैरेलल है है पैरेलल ना, देखो पैरेलल क्यों है? अब कुछ बच्चों को दिख रहा होगा, सर एरिया तो परपेंडिकुलर है। बट बेटा एरिया तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर जो था वो हमने क्या बोला था, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया। तो एरिया तो हमें दिख रहा है। अगर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा होता तो मुझे बताओ कि एरिया तो मुझे पता है सर ये 90 डिग्री पे है, बट क्या हमने ये भी तो बताया था कि एरिया वेक्टर जो है वो एरिया से 90 पे होगा। तो दैट मीन्स इन दिस केस ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एरिया वेक्टर बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, एंगल बिटवीन देम इज जीरो, और 0 डिग्री जब एंगल होता है दैट मीन्स पैरेलल होता है। तो फर्स्ट केस में बोथ आर पैरेलल। अब जब ये पैरेलल होंगे तो वही केस होगा जहां पे इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स था वो होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि जितनी भी लाइनें आ रही थी वो सभी की सभी एरिया से पास कर गई। सेकंड केस को छोड़ते हैं, थर्ड पे आओ। इस थर्ड केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। कैसे? कि भैया हमें दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर एरिया है और इससे 90 डिग्री पे बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ये एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट साइड। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री एंगल होगा तो क्या एक भी लाइन पास करेगी, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी? नौ यस और नो? नहीं करेंगी भाई। सर इसको कुछ ऐसा समझो कि बारिश हो रही है और आप बिल्कुल एकदम वो बन के खड़े हो गए हो, बिल्कुल थिन शीट। तो थिन शीट पे क्या ही बारिश गिरेगी? अगर बिल्कुल वर्टिकली कोई चीज गिर रही है, आप बिल्कुल पतले से वहां पे हो गए हो, तो दैट मींस ओरिएंटेशन इसका अलग है। यानी एक रिंग मान लो इसको, अगर एक रिंग रहेगा और बारिश गिर रही है इसको लेफ्ट टू राइट, तो रिंग में से तो कुछ पास नहीं हुआ। अगर ऐसे डाउनवर्ड गिरती तो रिंग में से पास होती, तो ये हमें समझ आता है इतनी सी बात। और थर्ड जो केस है, जो केस सेकंड जो बीच में लिखा हुआ है, दैट इज द इंटरमीडिएट ऑफ बोथ केस थ्री एंड केस टू। केस टू और केस थ्री, केस वन और केस टू के बीच का कुछ केस होगा जिसको बोलेंगे केस टू। ना ही परपेंडिकुलर और ना ही पैरेलल, ना ही परपेंडिकुलर ना ही पैरेलल, तो बीच में कुछ सम इंटरमीडिएट एंगल। तो इंटरमीडिएट एंगल में क्या होगा, सम इंटरमीडिएट फ्लक्स। तो अब बताओ कि व्हेन द एंगल इज 0 डिग्री फ्लक्स इज मैक्सिमम, व्हेन द एंगल इज 90 फ्लक्स इज जीरो, तो क्या ये कोस थीटा जैसा नहीं फील हो रहा? कोस थीटा में यही होता है कि कोस 0 इज 1 एंड कोस 90 इज 0, जीरो तो हम लोगों को ये दिख रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं ई ए कोस थीटा। यानी ई ए जो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज थी, जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है या एक दूसरे का कंबाइंड इफेक्ट दिखाती है, तो इन दैट केस इट इज अज्यूम्ड टू बी ई ए कोस थीटा। तो कोस थीटा को लिख दिया फाइ इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब यहां से आपको कुछ कुछ याद आ रहा है, आपको थोड़ा बहुत, क्या ये डॉट प्रोडक्ट जैसा फील हो रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट जैसा? हाँ भाई, सर अरे यस नहीं, डॉट जैसा फील हो रहा है कि क्रॉस जैसा? डॉट वेक्टर प्रोडक्ट डॉट होते थे, एक तो डॉट और एक क्रॉस। क्रॉस क्रॉस वाले को क्या बोलते थे? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या आता था? वेक्टर क्वांटिटी। और डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते थे? स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर और स्केलर प्रोडक्ट का फाइनल आंसर क्या आता था? एक स्केलर क्वांटिटी। व्हेन वी वर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स, जब याद करो आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा, मैथमेटिकल टूल्स बोल लो या वेक्टर्स बोल लो, तो वहां पे क्या था बच्चों कि जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसके दो तरीके थे। द फर्स्ट वन वाज डॉट प्रोडक्ट एंड द सेकंड वन वाज क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब डॉट प्रोडक्ट था तो हम क्या करते थे, ए डॉट बी, तो इसको क्या बोलते थे, ए बी कोस थीटा। और ए अगर ऐसा है, ए इज समथिंग ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, ये अगर ए था
और बी जो था मेरा दैट वाज वेक्टर बी, बी बी एक्स एक्स आई कैप प्लस बी प्लस वाई जे कैप प्लस बी ओके जेड के कैप। अब किसी को याद नहीं आ रहा तो ये भी देख लो कि आई जे और के क्या थे, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट। जब आप इंडिविजुअल एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेते हो तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये हमने देखा था, अगर ए वेक्टर ऐसा था और बी वेक्टर ऐसा था नीचे जैसा, तो आपको फील होगा कि ए बी जो ए डॉट बी था उसको हम बोलते थे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। एक ए का शेडो बी पे या बी का शेडो ए पे, दोनों एक ही चीज आती थी। इसको ये कॉम्यूटेटिव होता था, यानी ए बी का ए क्रॉस बी, ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, और इसका मैग्नीट्यूड आता था ए बी कोस थीटा। और अगर वैसे करते थे रेजोल्यूशन वाइज तो ऐसे करते थे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, इसी के विपरीत ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका फाइनल आंसर क्या है, स्केलर, क्योंकि इसके साथ कोई भी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन वाला कंपोनेंट तो खाली बच गया, केवल मैग्नीट्यूड है एबी कॉस थीटा। और इसको बोलते थे एक वेक्टर की परछाई दूसरे वेक्टर पे, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। अब देखो दूसरा क्या था इसके बिल्कुल विपरीत, ए क्रॉस बी। अब ये ए और बी तो सेम ही है वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना था, तो आंसर क्या था, ए बी ये भी साइन थीटा साइन थीटा, और साथ में डायरेक्शन भी आएगी। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन रहेगी, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए बी जिस प्लेन में रहेंगे उससे 90 डिग्री पे। ठीक है, तो दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, और ये इसको बोलते थे वेक्टर प्रोडक्ट। इसका फाइनल आंसर आता था एक वेक्टर क्वांटिटी, ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाली एन कैप वाली डायरेक्शन। तो ये हमें याद है पुराने जमाने से। अब देखो ये आप पर रिवीजन करा दिया थोड़ा सा जो बोल रहे थे, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ये क्या एक डॉट प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट जैसा, डॉट प्रोडक्ट जैसा, यानी ए का परछाई या ए का शेडो दूसरे पे, एक वेक्टर का शेडो दूसरे पे, आपको दिख भी रहा है भाई। शेडो का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को देखो, मैं आपको एक शीट देता हूँ, यार ये शीट है, इस पे ऊपर से टॉर्च डालता हूँ, तो जब इसमें ऊपर से परछाई आएगी तो आपको नहीं लगता कि इसका ओरिएंटेशन जब चेंज होगा तो परछाई जो नीचे जो टेबल है इस पे परछाई का साइज चेंज होगा। इस केस में वर्टिकली डाउनवर्ड अगर लाइट आ रही है तो मिनिमम कम से कम साइज की परछाई बनेगी, और इस केस में लार्जेस्ट। तो यही होता है ओरिएंटेशन, यही डिपेंड करेगा इन सारी चीजों पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत हो गया इसका डिस्कशन। ई ए कॉस थीटा बोलते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या बोलते हैं, cos theta is dot product of two vectors, e vector and area vector. ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, y vector e dot s e dot product है, because we are considering परछाई of this thing, और इसको आप सोल्व करोगे तो मिल जाएगा e dot s. ठीक है, e dot s ऐसे ही लिखा किया हमने, और it is equal to e s cos ठीक theta, या बोल दो e a cos theta, area vector a लिख रहे हो तो e a cos theta, या फिर e s cos theta. ठीक है, अब जिनको डाउट है वो एक बार हैंड रेज कर लो, कि अगर आपको डाउट है, जो अभी पढ़ा आपने फ्लक्स पढ़ा और एरिया वेक्टर पढ़ा, इसमें किसी को डाउट है तो एक बार हैंड रेज करके पूछ लो बच्चों। हाँ जी बोलो बोलो, 6 बच्चों को डाउट है, गिनी आर्यन दीक्षा हर्षितिका रिजुल। बोलो बच्चों डाउट्स, अनम्यूट करके पूछ लो यार। नो सर, किसी को भी डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो फिर, डिस्प्ले पे जो दिख रहा है आपको, सेम कंसेप्ट जो अभी तक पढ़ा वही हमें काम आएगा। क्या कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स का, ई का और ए, ई ए कॉस थीटा। आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, करो कैसे करोगे, और फाइनल आंसर यू कैन पुट इन चैट बॉक्स। सर एंगल 30.00 है। हाँ एंगल 30 डिग्री है बच्चे, यस सर, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड,
500 वोल्ट्स पर मीटर, और थीटा 30 डिग्री, एंड एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। तो इसको एरिया ऐसे ए बोल लो या फिर एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल लो। फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फ्लक्स क्या था, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई डॉट ए होता है और इसी को लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। सारी की सारी वैल्यूज रखी हुई हैं, वैल्यूज डालो और आंसर चैट बॉक्स में डालो। आर्यन आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे, अगर कुछ बोल रहे हो तो। कोई सुन पा रहा है क्या इनको? नो सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद एक लॉ आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंडेंट है। बहुत सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, इम्पोर्टेंट भी बेहद इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, 216 दशमलव समथिंग या फिर 217, 216 पॉइंट समथिंग समथिंग और 217 राउंड ऑफ करके, जिनका ये आंसर आ जाए वो उनका आंसर मतलब समझो सही है। ये आ गया। देखो तन्वी ने कर भी लिया भाई, भुवनेश्वरी ने भी कर लिया, इन सब के क्वेश्चन, इन सब, ये देखो यहाँ पे जो आंसर दे पाते हैं ना बच्चे, वही वही बच्चे होते हैं इनके एग्जाम भी अच्छे होते हैं। संडे को एग्जाम था, किस किसने एग्जाम दिया भाई, हैंडराइज करना। अभी तो इसमें सब लोग हाथ ऊपर कर लो जिन्होंने संडे वाला एग्जाम लिखा है। ठीक है, 19 बच्चों में 10 बच्चे फिर भी एबसेंट। ठीक है, 217। अब तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है बच्चों, लेट्स यस सी कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज डालनी है ना। ई की वैल्यू क्या दी है SI यूनिट्स में, 500। ए की वैल्यू क्या दी है भाई, 0.5, और कोस थीटा होता है तो कोस 30 डिग्री। ओके कोस 30 क्या होता है, बोलो बोलो, कोस 30 क्या होता है भाई? ठीक सर, √3/2 है, ये 0.2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 216 पॉइंट कुछ आएगा, 0.058 ऐसा आएगा फिर। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी 217, इसको राउंड ऑफ कर लोगे, 216.05 समथिंग समथिंग आएगा। और यूनिट क्या आएगा फाई का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर? नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो यूनिट होता है परमिटिविटी का। यहां से देखो, अगर वोल्ट के हिसाब से देखते हो तो आपको क्या मिला है बच्चों, है क्या मिला, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, वोल्ट मीटर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आप वो वाला यूनिट रखते हो कहाँ से, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से, जो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा अलग आएगा, बट जनरली ऐसा लेते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ये गिवन है। वोल्ट पर मीटर क्यों आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये तब समझ आएगा व्हेन वी विल बी एबल टू स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इससे जस्ट आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर किस हिसाब से लिखा जा सकता है। तो इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख सकते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल तो कितने बच्चों को पता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक बार हैंड रेज करके कंफर्मेशन दे दो भाई।
क्या होता है, हमारे सहपाठियों को पढ़ाया था इससे जस्ट पहले, एक बार यार हटा नहीं पाते हम लोग। इलेक्ट्रिक डायपोल 8 बच्चों को पता है, तो अभी हम क्या करेंगे भाई, वी विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आपको इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लाइन पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, वो क्या रहेगा वो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सर तो इलेक्ट्रिक डायपोल नाम से आपको क्या समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे और डायपोल मतलब क्या, दो होंगे। दो जैसे मैग्नेटिक डायपोल होता है, मैग्नेटिक में क्या होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे क्या हो सकता है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो पोल हमें ये समझ आती है बात। इलेक्ट्रिक डायपोल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, वी विल सी दैट, बट आफ बिफोर रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो फॉर्मल डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ए सिस्टम ऑफ टू, सिस्टम है किसका, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बराबर होंगे और अपोजिट नेचर के होंगे, एंड सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, कोई छोटी दूरी से सेपरेटेड होंगे। तो सिस्टम ऑफ इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा कुछ अरेंजमेंट किसका, दो चार्जेस का, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, तो एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड होगा सेम, ये माइनस क्यू तो दूसरा प्लस क्यू, एंड दे शुड बी सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस डी, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा स्मॉल होगा, ठीक है। तब ऐसा अरेंजमेंट आपको कहीं दिखाई दे तो उसी को बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक टाइपिंग डाइपोल, ठीक है। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, अब बार बार बोल रहा हूँ स्मॉल, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, व्हाई वी कॉल्ड कॉल्ड इट एज अ स्मॉल, स्मॉल का यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब है, अगर इनमें डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो फिर उसकी प्रॉपर्टी जो होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की वो हमें एग्जिबिट होती हुई नजर नहीं आएंगी, जब कम दूरी रहेगी इनके बीच में तभी आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की जो प्रॉपर्टीज है वो नजर आएगी, ठीक है। डायपोल मोमेंट, यस अब ये तो समझ आया इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, फिर एक चीज होती है डायपोल मोमेंट, जैसे हमने पढ़ा था क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आया ना कि चार्ज अपने आसपास के स्पेस में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ऐसा कुछ जनरेट कर रहा है जिससे वो दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगा पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किस प्रकार से डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल हमें पता है कि सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। अब देखो हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या फिर सिंपली डायपोल मोमेंट, ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज कन्वेंशनली इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। यस एवरी अब देखो बता देता हूँ यार, मैंने बहुत भसड़ मचा दी, कुछ मिटा लेते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ आ रहे हैं कि एक तो होगा इक्वल चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे और स्मॉल डिस्टेंस, तो ये खाली तीन वर्ड कर देते हैं हमने, इक्वल होंगे अपोजिट नेचर के होंगे और स्मॉल डिस्टेंस होंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कन्वेंशनली इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल क्या नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव पोल क्या पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव से चलकर पॉजिटिव की तरफ जाने वाले एक वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, यानी वेक्टर पी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई सी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि क्यू ले लिया, ठीक है, एंड द सेपरेशन, तो सेपरेशन क्या है यहाँ पे डी है, तो डी, अब डी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, यस चार्ज इज अ स्केलर, ये स्केलर था और ये एक वेक्टर, तो स्केलर और वेक्टर मिले तो क्या बचा वेक्टर, उसी को बोला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, रिप्रेजेंट किया छोटे पी से और इसकी वैल्यू हुई क्यू डी, क्यू डॉट डी बोलो या क्यू इंटू वेक्टर डी बोलो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस,
द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल को क्वांटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है क्वांटिटी का, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू चार्जेस, तो क्यू डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल समझ आया सबको कि सर इतना जो बताया समझ आ गया? एक बार कंफर्मेशन दो एंटेज करके। हाँ, थम्स अप से भी दे सकते हो अगर हैंड रेज करना अजीब लग रहा है। ठीक है, तो ओके जी, तो ये समझ आ गया, इसमें कुछ था भी नहीं ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल तो पढ़ लिया, अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज की वजह से, याद है हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था। एक पॉइंट चार्ज था, उससे किसी दूरी आर के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। तो सोर्स चार्ज था ये क्यू, और किसी दूरी पे हमने टेस्ट चार्ज को रखा था, और फिर बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये तो था पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए? पॉइंट चार्ज की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज है। अब हम यही चीज फाइंड आउट करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? एक इलेक्ट्रिक डायपोल की प्रेजेंस की वजह से। अब चार्ज था, तो चार्ज से तो जितना भी दूर जाओगे आप एक ही जैसा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करता है, यानी सिमेट्रिकली ही वो वेरी करेगा, जिसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि एक चार्ज है भाई। अब लोकस बनेगा ये, मान लो इसको लोकस क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो उस पॉइंट से आप कितने एक दूरी आर पे जाते हो, आर आर पे अलग अलग जगह जाओ, तो सभी के सभी पॉसिबिलिटीज को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक सर्कल की स्फीयर। ठीक स्फीयर मिलेगा ना, 2D में ऐसा लगेगा कि सर्कल मिल रहा है, बट आप उसको 3D में इमेजिन करो कि भाई एक पॉइंट से अगर आर आर जो आर दूरी है उसके सभी के सभी पॉइंट को एक साथ जोड़ लो, तो वो क्या मिलने वाला है आपको? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स क्या मिलेगा? एक स्फीयर ना, वो आपको स्फीयर मिलने वाला है, तो स्फीयर जैसा होगा। लेकिन अब ये क्योंकि ये तो सिमेट्रिक था भाई, पॉइंट से आर दूरी पे जा रहे तो सिमेट्रिक होगा, बट यहाँ क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो इस एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा और एक मिलेगा ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस पे। तो इन्हीं को बोलते हैं, एक को बोलते हैं, देखो एक एक्सिस तो ये बनेगी जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जिस एक्सिस पे है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सिस जिस पे है, इसको बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, एक्सिस, और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और एक्सिस होगी, उसको बोलते हैं इक्विटोरियल। एक्सियल लाइन या इक्विटोरियल लाइन, इन दोनों लाइन पे हमारा टारगेट क्या है? टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दिख रहा है वेक्टर पी, कहाँ पे सिचुएटेड है? ओरिजिन पे। वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो ओरिजिन पे सिचुएटेड है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल अगर ओरिजिन पे सिचुएटेड है तो क्या इसका मतलब ये भी है कि चार्जेस ओरिजिन पे होंगे? यस और नो? अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने बोला इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज सिचुएटेड ऑन 0 0 या फिर ओरिजिन पे है, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि चार्जेस भी ओरिजिन पे है? यस और नो? यस है ना, देखो ये तो है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये ओरिजिन पे है, लेकिन एक चार्ज ओरिजिन के लेफ्ट साइड में रहेगा, दूसरा राइट साइड में रहेगा। क्यों? ठीक है भाई, सर, अगर ये लेंथ है, ये डी है मान लो, ये पूरा यहां से यहां तक का डी बोल दिया, तो डी बाय टू दूरी पे रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव डायरेक्शन में डी बाय टू दूरी पे क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव ऐसा आधा आधा दूरी जितना पूरा सेपरेशन था, ऑल्दो इट इज अ वेरी स्मॉल सेपरेशन, बट उस सेपरेशन को दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर लो, और जो बीच वाला पॉइंट है वो तो ठीक है डायपोल है ओरिजिन पे, बट लेफ्ट और राइट में आपके चार्जेस होंगे, चार्जेस का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, डी बाई टू इधर और डी बाई टू इधर। एक्सियल इक्विटोरियल लाइन आपको समझ आई? अब देखो पहला स्टार्ट करते हैं एक्सियल लाइन पे फाइंड आउट करने और कोशिश करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता था कि फॉर अ पॉइंट चार्ज, अगर ये पॉइंट सोर्स चार्ज था, इससे कुछ दूरी पे एक टेस्ट चार्ज रखा, तो ये दोनों का दूरी मान लो आर था, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ये टेस्ट चार्ज रखा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी उसको के क्यू बाय आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करती।
ठीक है। अब यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे और ट्राई करेंगे फाइंड आउट करना कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली इस एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे हमारा टारगेट है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्जेस टू टाइम्स। इस फॉर्मूला को हम दो बार यूज करेंगे, एक बार इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉइंट पी के लिए, एक बार इस नेगेटिव चार्ज एंड इस पॉइंट पी के लिए। तो दो बार इसको यूज करेंगे, देन वी कैन सम इट। सम कैसे करेंगे? लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, कि जब मल्टीपल चार्जेस हो, मल्टीपल चार्जेस हो और उन चार्जेस के द्वारा अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा हो, तो यू हैव इफ यू हैव टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देन यू जस्ट हैव टू डू वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जो अलग अलग इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनका वेक्टर सम कर दो। तो पहले क्या करूंगा, इस पॉजिटिव चार्ज क्यू को पकड़ूंगा और पॉइंट पी के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। तो पॉइंट पी से इस पॉजिटिव चार्ज क्यू की दूरी कितनी है बच्चों? ये वाली दूरी सर कितनी है, आर माइनस ए आर आर माइनस। माइनस बी देखो अब ये बच्ची कैसे बता रही है, देखो जिनको समझ नहीं आ रहा भाई, ये पॉइंट ये नेगेटिव क्यू था, ये पॉजिटिव क्यू है, इन दोनों के बीच की दूरी 2a, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी 2a है। ठीक है, अब ये 2a आधे आधे में बांटा जाएगा, एक होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ ए और ये भी ए, ठीक है, और यहाँ पे डायपोल है जो ओरिजिन पे है, जिसको बोलेंगे 0,0। ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी 0,0 पे लेते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है कि ओरिजिन पे है। अब देखो ये वाली दूरी तो बच्चों ए हो गई, और यहां से लेके यहाँ तक ये आर थी, तो ये वाली दूरी क्या मेरी आर माइनस ए हो गई, ये आर में से ए घट गया तो आर माइनस ए। सिमिलरली अगर मैं क्यू माइनस क्यू और पी के बीच की दूरी निकालू तो क्या होगी, आर प्लस आर आर प्लस। ठीक है, तो अब देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहा हूं दो बार, फर्स्ट वन फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो के इनटू सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज पॉजिटिव था तो क्यू रख दिया, उन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का स्क्वायर। सिमिलरली के क्यू बाय आर स्क्वायर यानी के क्यू बाय सेपरेशन का स्क्वायर, तो फर्स्ट चार्ज था नेगेटिव क्यू, ये दूसरा चार्ज है नेगेटिव क्यू, तो माइनस क्यू की जगह क्यू रख दिया और ये वाला साइन आ गया माइनस, इनके बीच में माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर, ये वाला सेपरेशन। इन दोनों को लिखो ऐड करो, ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है। ठीक है, एक चीज हमने और पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, यानी इधर सेपरेशन क्या है 2a है, 2a इनटू q कर दो तो 2aq लिख दो, 2aq इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 2aq की वैल्यू इस फॉर्मूला में फिट कर दो, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है 4 इंटू ए इंटू क्यू, तो दैट विल बी 2kr, 2kr, और ये p कहाँ से आया, p इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसको सोल्व करके जब ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p इज इक्वल टू 2kr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से मिल रहा है। अब आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी वो आपको पता ही है कि ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे रखेंगे वो आप याद रखना, मैंने क्या बोला था कि द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज डी सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर आवाज नहीं आ रही है, प्रॉब्लम। आई कैन नेग्लेक्ट दिस टू है इन सर आपकी कंपैरिजन आवाज टू, नहीं आ रही है, तो आर आवाज नहीं आ रही, नो सर, अभी आ रही है यस सर, नो सर अभी आ रही है पर बीच में आ रही है कट कट के, सर ठीक है तुरंत। अभी आ रही है बीच में नहीं आ रही थी, तो बताया करो अब अभी आ रही है कि नहीं आ रही, यस सर अभी आ रही है नहीं आ रही थी, हेलो यस सर ठीक। तो आई कैन नेगलेक्ट द वैल्यू टू ए इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ आर, तो क्या करेंगे बच्चों, नेगलेक्ट करो 2kr था तो ए इनेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या करेंगे सीधा ए को हटा दो,
तो आपको क्या मिलेगा, 2kPr/r^4। तो ये 4 पावर नीचे और 1 पावर ऊपर कटेगी, तो नीचे क्या आएगा, 2kP/r^3। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, बस यही क्या है आंसर आपका। मैग्नेट उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो जो वेक्टर क्वांटिटीज उनको लिख दो वेक्टर के तौर पर, हो गया। तो ये आपको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी दैट इज प्लेस्ड ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, एक्सियल एक्सिस बोल दो, एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो एक्सियल लाइन है उस पर एक पॉइंट पी है किसी दूरी आर पर फ्रॉम ओरिजिन, तो इलेक्ट्रिक डायपोल ओरिजिन पे प्रेजेंट है, ओरिजिन से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है किस पर, एक्सियल लाइन पर। उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक डायपोल क्या मिलता है, 2kPr/r^2 - a^2 का होल स्क्वायर, या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलो तो 2kP/r^3। ठीक है, ये चीज किसको किस किस को समझ आई, इसमें कुछ स्टेप मिसिंग लग रहा है तो ठीक हैंड रेज पूछो, जिनको हाथ सब लोग नीचे कर लो, जिनको डाउट है खाली वो ऊपर रखो कि सर इसमें कुछ स्टेप मेरे को समझ नहीं आया रिजुल्ट। ठीक, तो फाइनल दो फॉर्मूले आप यहां से याद रख सकते हो कि आप अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेना है तो ये वाला, नहीं तो यहां तक तो आपको पता ही है। और कुछ इसमें अलग भी नहीं किया भाई, हमें पता था पॉइंट चार्ज के लिए KQ/r^2 होता है, उसी को अलग अलग तरीके से लिख लिया, बस आपको ये डायग्राम अगर याद है तो भी आप आंसर निकाल लो। अगर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर ओरिजिन पर रखना है, उससे चार्ज इधर उधर होंगे इक्वल डिस्टेंस पे, पॉइंट पी पे निकालना है कुछ दूरी पे, तो आप इसको इजिली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यस सर, यस सर, फिर आपको स्टेप्स बता, सर वॉइस नहीं आ रही है, सर आवाज नहीं है, अभी बोल रहा मैं, क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट टू एक्सियल पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर आर दिस एंड दिस। द डायपोल इज प्लेस्ड इन एयर, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डायपोल, आपको लेंथ ऑफ डायपोल निकालना है। पूजा ने आंसर दे दिया, इतना जल्दी कैसे दे दिया भाई, टाइम तो लगता है इस क्वेश्चन में, चीटिंग तो ना कर रहे हो बच्चों तुम, इतने बच्चे नकलची हो रहे हैं। नमस्ते। ना जल्दी दिया तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत शाबाश, लेकिन थोड़ा टाइम और लगना चाहिए था, बट ठीक है अब इतना जल्दी दे पा रहे तो बहुत बढ़िया। ठीक करो सब लोग, आपकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही थी, तब क्वेश्चन लिख लिया था। अच्छा मेरी आवाज को क्या हो रहा है भाई आज। इंटरनेट तो सही चल रहा है सब। ठीक है क्वेश्चन करो क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट टू एक्सियल पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट डिस्टेंसेस दिस एंड दिस फ्रॉम इट्स सेंटर आर दिस एंड दिस। आपको दो वैल्यू दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे, दो बार यूज करो इक्वेशन को, दो अननोन्स आएंगे फाइंड आउट। ठीक है डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, तो आपको दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट टू एक्सियल पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल ही बना लेते हैं भाई, पहला ही हमारा चार्ज है -Q, एक दूसरा चार्ज है +Q। ठीक है थोड़ा गलत बन गया, इधर बनाते हैं, आवाज आ रही है अच्छे से, ठीक यस सर, वीडियो ऑन नहीं करेंगे और सिर्फ आवाज से काम चला लेंगे, अगर नेट का इशू रहा तो दिक्कत नहीं। एक चार्ज है बच्चों -Q, दूसरा चार्ज है +Q। ठीक है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट नेचर के हैं, किसी इन बीच इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं 2L या 2A, जो भी आपको अच्छा लगे, A मान लो L मान लो। ठीक है
अब इन दोनों चार्जेस के एक्सियल एक्सिस पे यानी एक्सियल लाइन पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P1, एक पॉइंट है P2, ठीक है। इन दोनों ही पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, ठीक है। एक पॉइंट का दूरी, ये यहाँ पे ये होता है ना इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसे डायपोल मोमेंट वेक्टर से उसको दिखाते हैं, और ये वाला पॉइंट जो है इसको ओरिजिन मान लिया है 0,0। इस ओरिजिन वाले पॉइंट से जो P1 है उसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर और P2 की दूरी है 10 सेंटीमीटर। यस सर, अब आपको क्या पूछा है कि बच्चों P1 पे दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 × 10⁴ SI यूनिट्स में, और ये दिया 2 × 10�³, ये भी SI यूनिट में। तो नजदीक वाले पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा आ रहा है, दूर वाले पे थोड़ा कम तो दिख रहा है। एक नजदीक वाला 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 10 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, 2L की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो क्या इसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2KP/R³, ये यूज कर सकते हो, यस सर, या फिर ये यस वाला सर, यूज करना पड़ेगा, 2KPR/R² - अरे यार पीछे चला गया, या फिर ये कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 2KPR/R² - A² का होल स्क्वायर, ये वाला। इनमें से कौन सा यूज करोगे, नीचे वाला बस यही यही पे जगह। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा जब आपको ये समझ आ गया कि नीचे वाला यूज करना है। क्योंकि बच्चों फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने इस वाले फॉर्मूले में तो लेंथ को नेगलेक्ट कर दिया था, जो चीज नेगलेक्ट हो गई मतलब इस फॉर्मूला से नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको ए की वैल्यू या फिर एल की वैल्यू मिल जाएगी, उसको डबल कर दोगे तो क्या मिलेगा आंसर, है ना। सर, तो काफी बच्चों का इसका आंसर आ गया, जिनका नहीं आया वो इसको सॉल्व करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आते ही इसको डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ भी यस दिया सर, हुआ है, जिनका आंसर 0.05 मीटर आया है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और आपको स्टार दिया जाता है, ठीक है। चलो तो जिनको नहीं है वो चले जा सकते हैं, और होता है इस वीक में हम एक या दो क्या बोलते हैं ये एक्स्ट्रा क्लास ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा आपको, टेंशन मत लेना कि बहुत ज्यादा ही होगी, बट देखते हैं जैसा आपका टाइम परमिट रहेगा मेरा रहेगा, देखते हैं, ठीक है बच्चों। सर, यस एक्स्ट्रा सर, क्लास कितने बच्चों को पढ़े कि नहीं सर, नहीं नहीं एक्स्ट्रा मत करना।